सो गाइज, आज है संडे और आप लोगों ने आस्क जुन्नू लगाकर काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे हैं, तो उनमें से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पिक किए हैं जिनके मैं आंसर करने वाला हूं। और अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आस्क जुन्नू लगाकर पूछ सकते हो। और अगर आपने अभी तक अपने भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो यूजर नेम है अरमान जुनेद, आइए फॉलो कीजिए। तो चलिए अब चलते हैं Q&A की ओर, बट आगे बढ़ने से पहले अपने भाई का नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम है जुनेद और आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग चैनल जुन्नू की टेक। चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, यहाँ पर आपको जनरल कंटेंट मिलता है और मिलता रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन, भाई हमें कोई अच्छा बैकग्राउंड सेटअप बताइए जो कि रूम में और फ्री में, प्लीज पिक माय क्वेश्चन। देखो भाई, अगर आपका थोड़ा सा बजट है, 200-300 रुपए आप खर्च कर सकते हो तो आपका बहुत अच्छा बैकग्राउंड सेटअप मैं बता सकता हूँ। 200-300 रुपए का आपको ग्रीन कपड़ा मिल जाएगा, उसको दीवार में ठोक लेना, कील से या कैसे भी करके आपको दीवार पे लगा लेना है। उसके बाद आपको वीडियो शूट करना है, लाइटिंग सेटअप आपका अच्छा होना चाहिए, वीडियो को शूट कीजिए। उसके बाद काइन मास्टर या पावर डायरेक्टर से एडिट कीजिए, पीछे का बैकग्राउंड आप इजिली चेंज कर सकते हो। या फिर मैं आपको कुछ वॉलपेपर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर बाय कर सकते हो और पीछे दीवार पे लगा लेना, अच्छा गेटअप आएगा। नेक्स्ट भाई, 100 Q&A हो चुके हैं, अभी तक भाभी से नहीं मिलवाया। एक सेकंड, क्या करोगे आप मिलकर? मेरे कोई चांस नहीं मिलता। नेक्स्ट भाई, अगर हम कोई स्पॉन्सरशिप लेते हैं और किसी वजह से वो वीडियो डिलीट हो जाता है तो क्या स्पॉन्सर्ड हमें जेल करवा सकते हैं? प्लीज रिप्लाई। अगर स्पॉन्सर देने वाला बिल्कुल जेन्युइन है और आप उसका वीडियो अपलोड करने के बाद डिलीट कर देते हो तो आपके ऊपर, मतलब आपके अगेंस्ट वो कंप्लेन कर सकता है। और अगर आपके, मतलब आपने वीडियो बना दिया और आने वाले टाइम में वो भाग जाता है, उसकी कंपनी भाग जाती है, तो आप वीडियो को डिलीट कर सकते हो, उसमें कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। नेक्स्ट भाई, पहली स्पॉन्सरशिप का कितना चार्ज करें? प्लीज टेल मी। मैं आपको अपने बारे में बताता हूं, जब मेरी वीडियो पे एवरेज व्यूज 1K 2K आते थे तो उस टाइम मैंने फर्स्ट स्पॉन्सरशिप का चार्ज 600 किया था और उसके बाद 2K 3K इस तरीके से करना शुरू कर दिया था। और अगर आपकी वीडियो पे 1000 व्यूज आते हैं तो आप 800-900 रुपए इजीली ले सकते हो। नेक्स्ट भाई, आपने किसी लड़की को किस किया है? हाँ, क्या हुआ, क्यों पूछा ये क्वेश्चन और अब आपको क्या मिला पूछकर? नेक्स्ट भाई, मैं 17 साल का हूँ और मेरा चैनल अभी मोनेटाइज होने वाला है, अभी मेरे पापा के नाम से एडसेंस अकाउंट बनाता हूँ, लेकिन मैं 18 ईयर का होने के बाद एडसेंस अकाउंट मैं बैंक चेंज कर सकता हूँ? प्लीज रिप्लाई। बिल्कुल कर सकते हो, अगर आपकी एज 18 साल नहीं है, मम्मी पापा के नाम से बना सकते हो, किसी एक के नाम से, और आफ्टर 18 आप इजीली चेंज कर सकते हो पेमेंट मेथड। नेक्स्ट भाई, इंस्टाग्राम का स्पॉन्सरशिप कैसे मिलती है? आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को बिजनेस अकाउंट बना लीजिए, उसके बाद आप वहां पे ईमेल ऐड कर देना, कोई भी ईमेल पर क्लिक करेगा आपको डायरेक्ट ईमेल कर सकता है। और मैं आपको एक बात बताता हूं, अपनी साइड से किसी को मत बोलो कि प्लीज मेरे को स्पॉन्सरशिप दे दीजिए, उससे अच्छा नहीं लगता और आपको कम पैसा मिलता है। तो अपने अकाउंट को एज अ ब्रांड लेकर चलो, खुद आपके पास स्पॉन्सरशिप्स आएंगे। नेक्स्ट भाई, जब आप GF के बारे में बात करते हो तो तुम्हारे घर वाले कुछ नहीं कहते? प्लीज रिप्लाई। मेरे घर वाले मेरा वीडियो नहीं देखते हैं, और देखते भी हैं वो सेकंड चैनल वाले का वीडियो देखते हैं, तो इसलिए। नेक्स्ट भाई, गूगल एड्स से प्रमोट की गई वीडियो का डॉलर बनता है या नहीं? नो, आप उस वीडियो को मोनेटाइज नहीं कर सकते और उस वीडियो का वॉच टाइम भी काउंट नहीं होता। और हाँ, अगर आप गूगल एड्स से वीडियो प्रमोट कर रहे हो तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि पहले 100 वीडियोस अपलोड करके देखो, क्वालिटी कंटेंट अपने चैनल पर अपलोड करो, उसके बाद भी आपको ग्रोथ नहीं मिलती, चैनल ग्रो नहीं होता, तो आप गूगल एड्स की हेल्प ले सकते हो और वॉच टाइम काउंट नहीं होता। नेक्स्ट भाई, टिकटॉक अनबैन कब होगा? डाई हर्ट फैन, आपको 2 साल से देख रहा हूं, थैंक यू सो मच भाई इतना प्यार देने के लिए। और टिकटॉक अनबैन, बैन को लेकर कोई भी न्यूज नहीं है, जैसे आएगी मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की, मैं भी थक चुका हूं आपको बता बता कर। नेक्स्ट, आपको डांस करना आता है? आता है, बट उल्टा सीधा। कुछ टाइम पहले की बात है, आई मीन 2-3 साल पहले की बात है, आप ये वीडियो देखो, हंसना मत। भाई भाई भाई, मेरी स्टूडियो पे कैसे यार? नेक्स्ट भाई, शॉर्ट वीडियोस का वॉच टाइम काउंट क्यों नहीं होता? मेरे को जहां तक लगता है कि शॉर्ट वीडियो जल्दी वायरल हो जाता है, इसलिए शॉर्ट वीडियो का वॉच टाइम काउंट नहीं करता YouTube। कोई बात नहीं, आप लॉन्ग वीडियोस बनाइए, मैं आपको टिप्स देता रहूंगा, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता रहूंगा, आप इजिली अपनी लॉन्ग वीडियोस को भी ग्रो, वायरल कर सकते हो। नेक्स्ट भाई का क्वेश्चन है कि अगर हम दिन में बार बार वीडियो अपलोड कर दें तो हमारी वीडियो वायरल हो जाएगी? अगर आप वीडियो की क्वांटिटी बढ़ाओगे तो आप 500 वीडियो भी अपलोड कर दोगे तो भी आपका
वीडियो वायरल नहीं होगा। आप क्वालिटी इंप्रूव कीजिए, आप 70 से 80 वीडियोस में भी अपना यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करवा सकते हो, लेकिन क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। नेक्स्ट भाई, मैंने सुना है यूट्यूब अब 1 सब्सक्राइब के 2 रुपए देगा, क्या ये सच है? देखो भाई, इनडायरेक्टली अगर इसको देखा जाए तो ये सच है, लेकिन डायरेक्ट यूट्यूब आपको कोई पैसा नहीं देता और मेरे को नहीं लगता कि आने वाले टाइम में आपको कोई पैसा देगा, लेकिन इनडायरेक्टली आपको बहुत ज्यादा पैसा मिल जाता है। अगर आपके चैनल को किसी ने सब्सक्राइब कर दिया, आप रेगुलर वीडियोस अपलोड करते हो और वो आपकी सभी वीडियोस देखता है, एड्स आते हैं, आपकी वीडियोस को रेगुलर देखता है, तो 1 सब्सक्राइब के 1 रुपए नहीं, वो आपको ज्यादा पैसे देगा। तो 1 सब्सक्राइब की बहुत वैल्यू होती है, आप 1-2 सब्सक्राइब आपके हर रोज बढ़ते हैं, उसको कम मत समझा करो। नेक्स्ट भैया, मेरे को सजेशन दीजिए, मुझे यूट्यूब पे वीडियो बनाना चाहिए या रील्स में, मैं कंफ्यूज हूँ। और हाँ, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम वेस्ट बंगाल, प्लीज रिप्लाई, थैंक यू सो मच फॉर योर लव। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि यूट्यूब पर भी बनाइए और इंस्टाग्राम रील्स पर भी बनाइए, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन आपको जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, अगर आप वहां पर कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलोगे तो आप वहां पे इजीली ग्रो कर पाओगे। नेक्स्ट भाई, अगर हमारा चैनल टेक का है तो कौन सी कैटेगरी होगी? साइंस एंड टेक्नोलॉजी आगे लिखा हुआ है। और भाई, हमारे चैनल टेक का है तो हम उस पर 1-2 वीडियो बाइक रेस वगैरह की डाल देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? प्रॉब्लम हो जाएगी। आपका चैनल टेक कैटेगरी का है, अपने बाइक से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर दिया, तो हो सकता है आपका वो वीडियो वायरल हो जाए, तो आपके पास कोई और सब्सक्राइबर्स आ जाएंगे, आपकी कैटेगरी से रिलेटेड नहीं आएंगे। फिर आप वापस से टेक से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करोगे तो आपको व्यूज नहीं मिलेंगे। एग्जांपल आपके सामने खड़ा हुआ है, पहले मैं टिकटॉक से रिलेटेड वीडियोस बनाता था, टिकटॉक बैन होने के बाद अब व्यूज कम आते हैं, बिकॉज टिकटॉक वाले सब्सक्राइबर्स ज्यादा हो रहे हैं हमारे चैनल पर। बाय द वे, अब आपका प्यार और ज्यादा मिलने लगा है। तो बस आज के लिए इतना ही, अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप आस्क जुनू लगाकर पूछ सकते हो। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।